नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टीसीओ में एड्रेस मैपिंग। वर्चुअल मेमोरी हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग को देखना है व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेस मैपिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एड्रेस मैपिंग। ओके, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है, हमने देखा वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज करते थे वो भी देखिए, और वर्चुअल मेमोरी में हमारा एक्चुअल प्रोग्राम डेटा जो है वो कहाँ रहता है, वर्चुअल मेमोरी। लेकिन हम जानते हैं कि रैम जो है मेरा फिजिकल मेमोरी, उसमें हमारे पास उतना स्पेस नहीं होता है। तो सपोज करके चलते हैं कि वर्चुअल मेमोरी जो मेरे पास है उसमें जो मेरे पास डेटा है वो मान करके चलते हैं हम सबसे पहले जो मेरे पास चार ब्लॉक में है अवेलेबल, ठीक है, एंड जो मेरे पास फिजिकल मेमोरी है वो सिर्फ दो ब्लॉक में अवेलेबल है। ओके, हर ब्लॉक पे जो डाटा है वो चार लाइन का डेटा है, व्हाट इज द साइज ऑफ लाइन ये हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस चार लाइन का डेटा है, एक लाइन पे एक डेटा रह सकता है, दो चार चार लाइन बस। अभी मुद्दा आता है, हमने तुम्हें बताया था अभी कि जो डाटा ट्रांसफर होता है वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के बीच में वो ब्लॉक्स में होते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ से ले ये भी चार लाइन में है और ये भी चार लाइन में है, क्या बोला था फॉर्मेट ऑफ डेटा इज सेम, यहाँ पर ये ब्लॉक है ब्लॉक ऑफ डेटा और यहाँ में भी जो डेटा है वो ब्लॉक ऑफ डेटा, और इस ब्लॉक का साइज उतना ही होगा जो इस ब्लॉक का साइज होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को खुद मैनेज करता है क्योंकि वर्चुअल मेमोरी उसी के रिगार्डिंग बनाता है वो। तो वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होगा उसके पेज का जो साइज होगा वो सेम होगा, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी में जो ब्लॉक होता है उसको हम लोग पेज कहते हैं। ओके, और यही जो अगर फिजिकल मेमोरी में होता है उसको हम लोग फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अब कहता क्या है, वर्चुअल मेमोरी तो कितना भी बड़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास ब्लॉक के साइज फिट होते हैं, इसलिए वो ब्लॉक उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। हाँ, लाइन जितना बढ़ सकता है बढ़ते चला जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक बहुत हो सकते हैं इसमें, लेकिन साइज ऑफ ब्लॉक उतना ही होता है जितना फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल होता है। ओके, अब कहानी आता है, हम लोग ये समझ गए कि डाटा जो ट्रांसफर है वो ब्लॉक में होगा और दोनों का जो ब्लॉक का साइज होगा सेम होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक ज्यादा होंगे तो एड्रेसिंग अगर हम ब्लॉक को करेंगे तो उसका एड्रेसिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास फिजिकल वर्चुअल मेमोरी में चार ब्लॉक है, एक दो तीन और चार ब्लॉक है, तो चार ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एड्रेसिंग किया मैंने 00, 01, 10 और 11 किया। लेकिन सेम यही थिंग अगर हम यहाँ आ जाते हैं फिजिकल मेमोरी में तो मेरे पास दो ही ब्लॉक अवेलेबल है, तो दो ही ब्लॉक अवेलेबल है तो एड्रेसिंग करने के लिए सिर्फ एक बिट का जरूरत पड़ेगा, 0 और 1, या तो 0 या तो 1। ओके, तो अब देखिए मुद्दा क्या है, यहाँ पे एड्रेस को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट एड्रेस, लाइन नंबर तो इसमें भी है, लाइन नंबर 0123, 0123, क्योंकि 0 से काउंट कर रहे हैं इसलिए 0123, 0123, तो दोनों में लाइन नंबर उतने ही होंगे क्योंकि नंबर ब्लॉक का जो साइज होता है वो सेम होता है, लेकिन ब्लॉक के जो नंबर होते हैं वो दोनों में डिफर कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी में एक्चुअली प्रोग्राम का जितना साइज है उतना बड़ा होगा ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक, और फिजिकल मेमोरी में तो हमें जितनी अलॉट हुई है, जितनी अलॉट की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उतना ही हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ देखा कि मेरे पास जो वर्चुअल मेमोरी में जो मेरे पास ब्लॉक की नंबर है, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, 2 है, लेकिन वही वर्चुअल मेमोरी में जो नंबर ऑफ ब्लॉक है वो कितने हैं, 4 है, फिजिकल में 2 और इसमें 4। तो एड्रेसिंग अगर हम बात करें तो देखो इस लाइन का अगर एड्रेस बोलोगे वर्चुअल मेमोरी में तो इसका एड्रेस कितना आ रहा है, इसका एड्रेस आ रहा है 0000, मतलब इसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो कितने हैं, 4 बिट में है, लेकिन यहाँ देखो जो एड्रेस है वो कितने बिट में है, ओनली इन 3 बिट, 0000। तो देखो एड्रेस मिसमैच कर गया ना, और ये ज्यादा भी कर सकता है, यहाँ पे मान लो मेरे पास 2 ही हो और यहाँ पर मेरे पास ये जो है 1, 2, 3, 4 के जगह पे 16, 32, 64 कुछ भी हो सकता है, ये तो नंबर, ये तो डिपेंड करता है प्रोग्राम के साइज पर, तो ये डिफर तो करेगा ही करेगा, बात समझ गया। इसमें भी हो सकता है मेरे पास ज्यादा अलॉटमेंट हो तो मेरे पास ये भी नंबर ऑफ ब्लॉक ज्यादा हो सकता है। अभी हम लोग बस सपोज करके चलते हैं क्योंकि हमारे स्क्रीन में इतना बड़ा साइज नहीं होता है कि हम लोग 10 MB और 12 MB 14 MB, 15 MB या 100 MB का तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन हम कर सके, हम तुमको दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत टेक्निक। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ में आ गई कि डाटा ट्रांसफर जब भी होगा तो ब्लॉक में होगा, ब्लॉक में जो नंबर के जो साइज होंगे दोनों सेम होंगे, वर्चुअल मेमोरी में ब्लॉक ज्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक,
फिजिकल मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होंगे, कम होंगे ऑलवेज। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ता। अब मुद्दा है एक्चुअल डेटा मेरे पास किसके पास है, वर्चुअल मेमोरी में। एक्चुअल डाटा जो ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वो कहाँ पे लोड हो जाता है, वर्चुअल मेमोरी में लोड हो जाता है। मतलब सारा का सारा प्रोग्राम डाटा मेरे पास कहाँ है, मेरे वर्चुअल मेमोरी में। अब बात आता है सीपीयू, इस स्ट्रक्चर को हम समझ जब गए तो इसमें एक चीज और बता देता है, ध्यान रखना। देखना इसको कहते हैं मेमोरी स्पेस, इसके जो ब्लॉक होते हैं इट्स कॉल्ड मेमोरी स्पेस एंड इट्स कॉल्ड एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस, वर्चुअल मेमोरी में जो आपका ब्लॉक होता है उस ब्लॉक का जो ये पूरा ब्लॉक है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस के जो सेट बने हुए हैं इट्स कॉल्ड एड्रेस स्पेस एंड इट इज कॉल्ड मेमोरी स्पेस। जो नोट में हम लोग देख लेंगे, एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस, एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस। ओके, अब कहानी आता है कि प्रोसेस हम लोग आगे करें। देखो सीपीयू क्या करता है, उसको कोई डाटा चाहिए जो वर्चुअल मेमोरी से, मान लो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में आ चुका है, तो वो जो डेटा लेगा तो वो एक एड्रेस जनरेट करता है कि वहां का डाटा हमको चाहिए। ये देखो हमने बस इसमें एबीसीडी डेटा जो है बस शो कर दिया है कि लाइन में जो मेरा डेटा है ABCDEFGH, हमको क्या पता इंटरनली क्या है, इंटरनली तो बाइनरी में होगा, यहाँ पर भी जो डाटा होगा वो तो बाइनरी में होगा, ओके ना। लेकिन हमने बस तुम्हें दिखाने के लिए इसे एबीसीडी कर दिया है। अब बात आता है सीपीयू, तो सीपीयू है तुम्हारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा अपना, तो ये सबसे पहला काम क्या करेगा, एक एड्रेस जनरेट करेगा कि मुझे भैया डाटा चाहिए। तो डाटा चाहिए, तो डाटा चाहिए तो क्या चाहिए डाटा आपको सर? तो जब डेटा चाहिए आपके आपको चाहिए तो आप हमको बताइए किस एड्रेस का डाटा चाहिए। तो जो किस एड्रेस का डाटा चाहिए ये वाला बात जो है, तो ये एक एड्रेस जनरेट करता है। जो एड्रेस ये डालता है आर्गुमेंट रजिस्टर में, एक रजिस्टर है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट रजिस्टर। सीपीयू क्या किया, एक एड्रेस जनरेट किया, ठीक है, ये रहा इट्स कॉल्ड आर्गुमेंट रजिस्टर। ये जो है आर्गुमेंट रजिस्टर है। अब ये जो आर्गुमेंट रजिस्टर है ना, ये तुम्हारा प्राइमरी स्टोरेज है एड्रेस के लिए। अब एड्रेस को तो ये स्टोर कर लिया, लेकिन बात आया कि जो एड्रेस है वो कितने बड़ा है, किसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा या इसका एड्रेस होगा। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वर्चुअल मेमोरी पढ़ाते समय में कि जो सीपीयू रेफर करता है, ऑलवेज रेफर करता है वर्चुअल मेमोरी के एड्रेस को या लॉजिकल एड्रेस को। तो वो जब भी जनरेट करेगा तो वो इस फॉर्मेट में जनरेट करेगा, ये जितने बिट का हो उतने। तो मेरे पास ये 4 बिट का है, तो जब ये मेरे पास 4 बिट का है तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कितने बिट में, 4 बिट में। 0000 का मान लो इसने कहा कि मुझे डाटा दो, ठीक है, ये 0000 का डाटा मांग रहा है, मतलब ये ए मांग रहा है। तो अब देखते हैं कि ये ए जो है उस तक पहुंचता कैसे है, हाउ दिस ए इज ट्रांसफर टू द सीपीयू, इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कैसे होगा। पहले कहा था तुम्हें कि रेफर करता है ये किसको, वर्चुअल एड्रेस को, लेकिन डाटा जो लेता है ये किससे लेता है, फिजिकल एड्रेस से लेता है। तो जो फिजिकल एड्रेस है उसका फॉर्मेट देखो 3 बिट में है, और जो वर्चुअल एड्रेस है उसका फॉर्मेट 4 बिट में है। तो सबसे पहला नीड हमारे पास आता है, वो जो नीड है मेरा सबसे पहला वो नीड है कि ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस इंटू फिजिकल एड्रेस एंड इट इज कॉल्ड एड्रेस मैपिंग। यही एड्रेस मैपिंग है। तो जो एड्रेस मैपिंग होता है हमारा, मतलब वर्चुअल मेमोरी के एड्रेस को जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में, इस प्रोसेस को कहते हैं एड्रेस मैपिंग। और इस एड्रेस मैपिंग को करने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आता है दैट इज कॉल्ड पेज टेबल। पेज टेबल के थ्रू ही हमारा एड्रेस मैपिंग होता है। बस समझ गए पेज टेबल। तो पेज टेबल का स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं, पेज टेबल दोनों मोड में होता है। पेज टेबल का कभी कभी एक्स्ट्रा डिवाइस भी यूज होता है, और ऐसे ये आपके मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो जो मेन सेक्शन है वो होता है आपका पेज टेबल, जो कि इस ट्रांसलेशन को करने जाएगा। तो जो पेज टेबल का साइज है, देखो पेज टेबल में ये एकदम टेबल जैसा ही है पेज टेबल, इसमें 3 कॉलम होते हैं और रो जो होता है इसका, इसका टोटल नंबर ऑफ रो डिपेंड्स करता है इस बात पर कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना अवेलेबल है तुम्हारे पास वर्चुअल मेमोरी में। मेरे पास 4 ब्लॉक था, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक, इसलिए मेरे पेज टेबल में 4 ब्लॉक हैं, 1 2 3 और 4।
ये हो गया इसका पेज नंबर, जितना इसमें ब्लॉक होगा, सॉरी जितना इसमें ब्लॉक होगा वर्चुअल मेमोरी में, उतना इस पेज टेबल में पेज नंबर तुमको दिखाई देगा। बात समझ गए? आप इसको पेज ऑफसेट भी कह सकते हो। अब अगला कहानी आता है, इसमें देखो ब्लॉक नंबर है और यहाँ देखो लिखा हुआ है पैरिटी बिट, पैरिटी बिट। इस तीनों का काम क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। अब ये आर्गुमेंट रजिस्टर जो तुम देख रहे हो, आर्गुमेंट रजिस्टर भी तुम्हारा जो होता है फॉर्मेटेड होता है, ये भी डिवाइड होता है देखो पेज ऑफसेट में और वर्ड ऑफसेट में। वर्ड ऑफसेट तो फिक्स हो जाता है कि कितने पे का होगा, देखो इसका भी वर्ड ऑफसेट 2 बिट का ही है, इसका भी वर्ड ऑफसेट 2 बिट का ही है, इसलिए इसका भी वर्ड ऑफसेट कितने बिट का है, सिर्फ 2 बिट का है। और पेज ऑफसेट जो है वो तुम्हारा पेज ऑफसेट जो है उसका साइज डिपेंड करता है, पेज ऑफसेट का साइज किसके पेज ऑफसेट में कितना है। ये अगर 4 बिट का होता तो ये भी 4 बिट में लेता है, अगर 6 बिट का होता तो ये भी 6 बिट में लेता है, क्योंकि ये 2 बिट का है इसलिए मेरा पेज ऑफसेट भी कितने का है, 2 बिट का है। मतलब मैंने कंप्लीट 4 बिट के एड्रेस जनरेट कर दिए। अब डाटा मांग रहे हैं 4 बिट के जनरेट करने के बाद, कैसे मांग रहे हैं देखो। अब कहानी प्रोसेस को हम लोग आगे लेके चलते हैं, ध्यान से देखना। तो पहला प्रोसेस है सीपीयू जनरेट किया एड्रेस, वो रेफर किया एड्रेस, वो आर्गुमेंट रजिस्टर में डाल दिया, आर्गुमेंट रजिस्टर फॉर्मेटेड है कैसे वो आपको मैंने बता दिया, वर्ड ऑफसेट और पेज ऑफसेट इसका अलग अलग होता है। अब जो पहला काम ये करता है, ये पहला काम करता है पेज ऑफसेट के डेटा को कंपेयर करता है, पेज ऑफसेट का जो डेटा है 000 इसको ये कंपेयर करता है पेज नंबर से, कंफर्मली पेज ऑफसेट पे तो डेटा मिलना ही मिलना है, यहाँ मिसमैच होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पेज नंबर तो सारा का सारा मेरे पेज टेबल में अवेलेबल है, जितना भी पेज ऑफसेट हम दे रहा है वो, ये हो गया। लेकिन यहां आने के बाद ये चेक करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट। देखो यहां पर पैरिटी बिट, क्योंकि यहां ब्लॉक में कुछ डाटा नहीं है तो पैरिटी बिट कितना है मेरे पास, 0 है। इफ पैरिटी बिट इज 0, अगर पेज टेबल में पैरिटी बिट उस पेज नंबर पर 0 है, इट मींस वो इंडिकेट कर रहा है कि ब्लॉक मेरा अवेलेबल नहीं है, ब्लॉक मेरा अवेलेबल नहीं है, ब्लॉक मेरा अवेलेबल नहीं है मतलब फिजिकल मेमोरी में डाटा अवेलेबल नहीं है। तो पहला काम तो यहीं पे हो गया, पेज फॉल्ट, इट्स कॉल्ड पेज फॉल्ट। जो पेज हम खोज रहे थे वो पेज मेरे मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। व्हेन सीपीयू वांट डेटा फ्रॉम फिजिकल मेमोरी एंड डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द फिजिकल मेमोरी, देन इट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। एंड व्हेन पेज फॉल्ट अकर, जो ही पेज फॉल्ट अकर होता है तो उस समय में तुम्हारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है दूसरा, पेज फॉल्ट आया तो सिंपली ये प्रोसेस रुक गया, क्योंकि पेज फॉल्ट अगर हो चुका है यहाँ तो पेज फॉल्ट आते ही आपका ये प्रोसेस यहीं पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। दूसरा प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको ट्रांसफर करो फिजिकल मेमोरी में। तो सबसे पहले तो फिजिकल मेमोरी में डाटा ट्रांसफर होगा, पेज फॉल्ट आ चुका है मेरे पास, अब हमारा रिक्वायरमेंट जो दूसरा प्रोसेस है वो ये काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा प्रोसेस, वर्चुअल मेमोरी से डाटा को डालो किसमें, फिजिकल मेमोरी में। कौन सा डाटा डालना है तुमको, 000000 मतलब तुम ये वाला डाटा चाहते हो, और ये वाला डाटा जो है किस ब्लॉक में है, 00 ब्लॉक में है। तो ये 00 पूरा ये जो कंप्लीट ब्लॉक है उसको उठा करके, मतलब ये चारों डाटा को ये क्या करेगा, उठा करके डालेगा, कहां डालेगा, पेज, यहां से पूरा पेज उठाया इसको उठा करके उसको रखना है फिजिकल मेमोरी में, क्योंकि देख लो मेरा फिजिकल मेमोरी अभी तो पूरी के पूरी खाली है, मेरा ये भी खाली है ये भी खाली है, तो अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, तो चलो यही रख देते हैं फिजिकल मेमोरी में। मैंने इस डाटा को रख दिया, देखो डाटा मेरा यहां कॉपी हो गया। जो ही मेरा डाटा कॉपी हुआ, वो जो प्रोसेस मेरा को डाटा कॉपी कर रहा है वो एक काम और करेगा, वो काम क्या करेगा, ये जो जो डाटा कॉपी किया है, इस डाटा को कॉपी किया किस ब्लॉक में, ब्लॉक नंबर 0 में, टैग ऑफसेट क्या है इसका, 0। तो इसको वो क्या करेगा, उठा करके 0 को उठा करके रख देगा, किस पेज नंबर को कॉपी कर रहा है भाई, 00 ब्लॉक जो है कौन सा ब्लॉक में आया है, 0 ब्लॉक में, तो ब्लॉक नंबर यहाँ क्या दे देगा, ये 0 दे देगा, ब्लॉक नंबर मेंशन करना है यहाँ पर, ब्लॉक नंबर मेंशन कर दिया 0, और इसके पैरिटी बिट को ये यहीं पे क्या कर देगा, 1 कर देगा। इतना प्रोसेस है डाटा ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस का, पहले तो इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के साथ ही पेज टेबल में मेंशन करो कि कौन सा ब्लॉक पे आप उसको कॉपी किए हो, और साथ में पैरिटी बिट को क्या कर दो, 1 कर दो। ये काम यहां आ गया,
ये काम यहां आ गया, अब जब डाटा ट्रांसफर हो गया तो यहां जो हमने वो प्रोसेस सस्पेंड कर रखा था कि जो कहा था कि यहां डाटा नहीं है, अब फिर से वो इस चीज को चेक कर रहा है। देखो पेज ऑफसेट 000 पैरिटी बिट 1, अब इसको देखो 1 मिला, इसका मतलब क्या कहता है कि मेरा डाटा अवेलेबल है फिजिकल मेमोरी में। जब फिजिकल मेमोरी में डाटा अवेलेबल है तो किस ब्लॉक पे अवेलेबल है भाई, व्हाट इज द टैग ऑफसेट, तो टैग ऑफसेट उसका क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है, ये 0, ये 0 को उठाया कॉपी कर दिया इसमें, ये आ गया यहां से 0। अब इस 0 को, अब इस 0 को ये यहां से उठा करके ले गया, यहां से ले जा रहा है MMR के यहां पाले एड्रेस रजिस्टर में, इसको 0 को क्या कर देता है, कॉपी कर दिया, 0 कॉपी हो गया। उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो वर्ड ऑफसेट, ये तो डायरेक्टली इसमें कॉपी रहता है, वर्ड ऑफसेट जिस समय तुम पास किए हो उसी समय डायरेक्टली कॉपी हो जाता है, ये दोनों पास हो गया अब इसके पास। अब MMR इसको कहते हैं मेमोरी, मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर देख रहे हो हमने पास किया था ये 00000, लेकिन अब जो हम मेन मेमोरी से डाटा निकालने जा रहे हैं उसका एड्रेस क्या है 000, देख लो 4 बिट वाला जो है ट्रांसलेट हो चुका है कितना में, 3 बिट में, यही है एड्रेस मैपिंग, एड्रेस मैपिंग डन। अब एड्रेस मैपिंग हो गया मेरा, तो अब इसको देखो इस 000 से ये मैच करा लो और इसको मैच करवा लो जिससे मैच कर रहा हूं, ये 0 है, ये रहा 0, ये रहा 000, ये रहा 0, इसका मतलब आपने जो फंड किया था सर वो है ए, ये ए को उठा करके वो डाल दिया MBR में, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर इसको कहते हैं, ए यहां पर आ गया, ए जब यहां आ गया तो इस ए को उठाओ और उठा करके दे दो किसको, सीपीयू को। ये रहा तुम्हारा कंप्लीट एड्रेस मैपिंग, क्लियर। फिर एक बार करते हैं इस चीज को, ये तो अभी ए चला गया, मान लो इसका काम हो गया, अब नेक्स्ट एड्रेस वो जनरेट करता है, नेक्स्ट एड्रेस क्या जनरेट करता है, 00001, ये वाला डाटा चाहिए उसको, सीपीयू को चाहिए, प्रोसेस वही है, कॉपी करो 00, ओके 000, चलो ये तो मिल गया, पैरिटी भी चेक करो 1, क्योंकि ब्लॉक में तो अभी भी डाटा अवेलेबल है, तो चलो 1, इसका मतलब इस 0 को फिर से उठाकर इसमें कॉपी कर दो, 0 कॉपी हो गया, फिर इसको उठाया से लेकर यहां 0 कॉपी कर दो, एड्रेस वर्ड ऑफसेट यहां पे क्या कॉपी हो रहा था 01, अब यहां से क्या कर रहा है आपको 0, चलो ये रहा मेरा 0, यहां से 01, ये रहा मेरा 01, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा बी, अब ये बी किसके पास चला गया, सीपीयू के पास। देखो सीपीयू ने जब इसे जनरेट किया और क्योंकि डाटा मेरे पास अवेलेबल था फिजिकल मेमोरी में, तो कोई पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अब यही कहानी क्या है, क्योंकि मेरा जो है यहां पर पेज मिल गया था इसलिए जो है कोई दूसरा प्रोसेस नहीं किया। अब यहीं पर जो है सीपीयू को मान लो इसके बाद जरूरत पड़ जाता है 00 के बजाय 01 का, इसको किसी का जरूरत पड़ सकता है, वो तो उसके प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से फैच करना है, तो 0101 मांग दिया इस बार ये, तो 0101 मांग दिया, तो चलो 0101 पे चलते हैं, 01, तो 01 तो मिल गया सर, लेकिन 01 में देखिए क्या हुआ, पैरिटी बिट को चेक करना है, पैरिटी बिट क्या है मेरा 0 है, इट मींस डाटा इज नॉट अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी, तो यहां पे क्या करेंगे, यहीं पे ये प्रोसेस को रोक देता है और दूसरा प्रोसेस चालू, कौन सा प्रोसेस, डाटा को ट्रांसफर करो, डाटा को ट्रांसफर करो कहां से, वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में, उसके बाद ही कोई प्रोसेस करेंगे, फिर वही काम, क्या मांगा है ये 01, पेज ऑफसेट 01 मांगा है ना, कुछ नहीं, पेज ऑफसेट देखो 01 कहां है, दिस इज योर 01, क्योंकि ये सीधा पूरा पेज ट्रांसफर करेगा, तो 01 को ट्रांसफर करना है, ये है 01 का डाटा, 01 को ट्रांसफर करना है कहां, क्योंकि मेरा एक ब्लॉक खाली है तो अभी हम वही पेस्ट कर देते हैं, तो यहां मेरा ब्लॉक खाली है ना, यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं डाटा को, ये हो गया, तो ये यहां पेस्ट हो गया, और साथ में क्या करेगा, जब वर्चुअल मेमोरी डाटा फिजिकल मेमोरी में डालता है तो पहला काम तो करता है कि डाटा को उसमें ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर के लिए एल्गोरिथम लगेगा वो तो फिर अगला टॉपिक है, इसको जो है ट्रांसफर करने के बाद इसको मेंशन करना है, किसमें मेंशन करना है, पेज टेबल में मेंशन करना है, पेज पेज टेबल कहां पर भैया, पेज टेबल 01 पर, ये रहा 01, किस ब्लॉक में डाटा ट्रांसफर हुआ, ब्लॉक ट्रांसफर हुआ है 1 में, अब जब 1 में ट्रांसफर हुआ है तो इसकी पैरिटी बिट को अपन लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ये लो
जब यहाँ वाला डाटा ट्रांसफर हो गया तो फिर से उस प्रोसेस को रिज्यूम करो जो डाटा मांगा था, रिज्यूम कर लो 01। हाँ भैया 01 मिल गया, पैरिटी बिट 1, इसका मतलब ब्लॉक जो है मेरा फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कौन सा 1, तो यहाँ पर लो इसको कर दिया मैंने 1। जब ये 1 हो गया तो जो ही ये 1 हो गया वो 1 हुआ, वो जैसे ही ये भी 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक नंबर 1 में है, तो यहाँ से ब्लॉक नंबर 1 कॉपी हो गया और यहाँ से वर्ड ऑफसेट इसमें ऑलरेडी कॉपीड है, यहाँ से 01। अब मैच करवाओ 1 नॉट 0 1 मिल गया और 01, ये रहा 01, मतलब तुमने जो डाटा मांगा था वो डाटा क्या था भाई, वो डाटा था तुम्हारा एफ। क्या था डाटा? एफ। अब ये एफ चले जाएगा किसके पास? सीपीयू के पास। अब ये एफ किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा? सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब मुद्दा आता है कि मान लो फिर अगला डाटा हम मांगते हैं कि कोई चाहिए हमको डाटा, मान लो कि इस बार हमको एच की जरूरत है, तो एड्रेस क्या जनरेट होगा? 01111, 01 और 11। देखो इस बार फिर से तो क्या प्रोसेस है, पहले पेज टेबल में देखो 01 को, देखो 01 दिख गया, जो ही दिखा तो पैरिटी बिट क्या बता रहा है आपको, पैरिटी बिट बता रहा है कि ब्लॉक अवेलेबल है, इसका मतलब चलिए कॉपी कीजिए, ये रहा 1 को कॉपी किया, 1 को उठा करके एमएमआर के पेज ऑफसेट में ले गया, पेज ऑफसेट मिल गया 1, और डाटा कहां से लेना आया? 11 से लेना है, 11 से लेना है, चलिए ये रहा 1, और यहां से 11 को उठाओ मतलब एच को उठाओ, एच गया तुम्हारा, एच तुम्हारा चला गया सीपीयू के पास एमबीआर के थ्रू। देखो यहां पे प्रोसेस तुम देखे क्या देखे, यहां पर फिर कोई पेज फॉल्ट नहीं आया, पेज फॉल्ट नहीं आया तो प्रोसेस दोबारा प्रॉब्लम में नहीं फंसा। फिर यही देखो ना, मान लो कि अगर इस जगह से फिर से ये डाटा मांग देता है तुमको, इस बार ये डाटा क्या मांग देता है 0011 से, कौन सा डाटा चाहिए इसको? 0011 का डाटा चाहिए, मतलब 0011 का डाटा चाहिए, मतलब इसको डी चाहिए, तो इसने तो एड्रेस जनरेट कर दिया 0011, तो 00 को देखो यहाँ 00, तो ठीक है पैरिटी बिट 1, इसका मतलब ब्लॉक अवेलेबल है, तो कौन सा ब्लॉक है 0, तो कॉपी किया मैंने इसमें किया 0, ये 0 गया इसके पास एमबीआर के, सॉरी 0 यहां से गया एमएमआर के पेज ऑफसेट के पास, कौन सा ब्लॉक है भाई, वो ब्लॉक अवेलेबल है 0 पर, कौन सा डाटा चाहिए आपको 11 चाहिए, ठीक है चलिए, तो 0 तो ये रहा और 11 ये रहा, कौन सा मांगे थे, डी मांगे थे ना, चलो तुमको डी मिल गया। तो मतलब अगर रैम में डाटा अवेलेबल है तो स्वैपिंग की कोई जरूरत तो है ही नहीं, जबरदस्ती का स्वैपिंग होता नहीं है। लेकिन अब मुद्दा आता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आपको कहता है कि मुझे डेटा चाहिए यहां से, मुझे डेटा कहां से चाहिए 1111, इट मीन अगर इसने मांग दिया पी, तो पी मांगा तो क्या होगा, 1111, चलिए 1111, 11 मिल गया, क्योंकि इसका पैरिटी बिट जो है वो 0 है, इट मींस मेरा जो ब्लॉक है वो फिजिकल मेमोरी में जो मेरा ब्लॉक है अवेलेबल है नहीं, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसको यहीं पे सस्पेंड करेंगे, पाउच करेंगे और वर्चुअल मेमोरी दूसरा प्रोसेस से स्टार्ट करेगा जो कहता है कि वर्चुअल मेमोरी से रिक्वायर्ड डाटा को ट्रांसफर करो किसमें, फिजिकल मेमोरी में। तो जब फिजिकल मेमोरी में उस चीज को ट्रांसफर करने के लिए हम कह रहे हैं तो वो करेगा अपना काम, तो करेगा, कौन सा ब्लॉक चाहिए था सर आपको, कौन सा ब्लॉक मांगा था आपने, 11 वाला ब्लॉक मांगा था ना, ये रहा 11 का ब्लॉक, ये रहा आपका 11 का ब्लॉक, ये पूरा उठेगा। अब देखो मुद्दा आता है यहां पर, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, तो अब कहां जाएगा सर, यहीं पे लगता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, समझे, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जो भी एल्गोरिदम वो लगाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाए, या तुमको क्या कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक होता है ना फिफो एल्गोरिदम जो पहले आया था उसको हटा देगा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कंडीशन हो सकता है, या नहीं तो LRU कहते हैं लिस्ट रिसेंट यूज, जिसका इस्तेमाल बार बार, इसमें जो है सबसे कम बार जिसका यूज हुआ है, मान लो कि 5 बार अगर हमारा यही ब्लॉक यूज होता तो कम यूज कौन हुआ ये, तो जो है क्या करता इसको हटा देता, क्योंकि हो सकता है इसका यूज और हो। तो बहुत सारे एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम के मदद से इस ब्लॉक में से किसको ट्रांसफर करना है
वो डिसाइड किया जाता है उस एल्गोरिथम से। तो मान लो मैं यहां पर लगा देता हूं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एफसीएफएस, जो पहले आया था उसको हटा देते हैं, पहले मेरा जीरो आया था तो मैं इसको हटाने जा रहा हूं। तो देखिए मैं इसे हटाने के लिए मैंने यहां डाटा डाल दिया, एमएनओपी डाल गया। अब जब डल गया तो डलते ही इसको पेज टेबल में एंट्री करना है, तो पेज टेबल में दो एंट्री होगा। पहला एंट्री तो देखो 00 से उसको तुमको जो है उसके पैरिटी बिट को जीरो करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये पहला वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इसमें अवेलेबल है, इसलिए अवेलेबल है तो इसके पैरिटी बिट को अपन को जीरो करना होगा। दूसरा, आपने जीरो पर डाला है, सॉरी आपने जीरो ब्लॉक में रखा है इस बार कौन सा ब्लॉक नंबर 11 को, तो यहां पर आएगा ये अब जीरो। बात समझ गए? मतलब कहने का है कि अगर ये पैरिटी बिट अगर आपका 1 रहता, नहीं इसको चेंज करते तुम, तब क्या होता, 00 वाला डाटा कोई मांगता तब भी तो कहता कि 00 वाला डाटा जीरो पर है, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। अब 00 वाला डाटा तो जीरो पर है नहीं, अब तो डाटा कौन सा था जीरो पर, 11 वाला डाटा ना है, इसलिए इस पैरिटी बिट को सिर्फ अपन लोग क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जिससे कि ये इंडिकेटर फ्लैग बता देता है कि भैया 00 पर जो डाटा तुम मांग रहे हो वो डाटा है ही नहीं, वही काम, क्योंकि 11 वाला यहाँ डाटा डाले तो पैरिटी बिट को अपन लोग अब क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। अब जब पैरिटी बिट मेरा हाई हो गया, इसका मतलब अब जब फिर इस प्रोसेस को ये स्टार्ट करेगा तो 11 को मैच करवाएगा, पैरिटी बिट चेक करेगा, हाँ 1 है, इसका मतलब ब्लॉक अवेलेबल है, तो 0 आया तो ये रहा 0, ये गया यहाँ इसके पास, ये रहा इसका 0, ये वर्ड ऑफसेट 11 कॉपी हो गया, और जब कॉपी हो गया तो यहाँ देखो 0 से मैच करवा रहे होते तुम, 0, और क्या चाहिए था तुमको, 11, इस बार तुमको क्या मिलेगा, पी मिलेगा, क्या मिलेगा, पी मिलेगा, पी किसके पास चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा। तो इट इज कॉल्ड एड्रेस मैपिंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आप बार बार इस चीज को देखिए, अगर आप इस डायग्राम को समझ जाइएगा तो आपका एड्रेस मैपिंग कंप्लीट हो गया। यही है एड्रेस मैपिंग, इस एड्रेस मैपिंग का डायग्राम अगर आपको पता हो तो हर चीज क्लियर हो गया। अब एड्रेस मैपिंग में हम लोगों ने हर चीज क्लियर कर लिया, क्या क्या चीज क्लियर कर लिया, देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है हम लोग का पहले से क्लियर है, फिजिकल मेमोरी क्या होता है वो मेरा पहले से क्लियर है, ठीक है, इसको कहते हैं टैग ऑफसेट, इसको कहते हैं लाइन ऑफसेट, इसको कहते हैं ये जो है वे पूरा का पूरा डाटा है, उसी तरह से ये जो है पूरा का पूरा डाटा है, ये जो है पूरा का पूरा लाइन नंबर है, ये जो है पूरा का पूरा पेज नंबर है, समझ गए, ये जो है ये मेरा क्या है, पेज टेबल है। तो ये तीन चीज समझ गए। अब हमने ये भी देख लिया व्हाट इज एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस क्या होता है, और मेमोरी स्पेस क्या होता है, इट इज माय मेमोरी स्पेस, ब्लॉक अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी इज कॉल्ड मेमोरी स्पेस, एंड ब्लॉक अवेलेबल इन वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। तो ये सारा चीज हम क्या कर लिए, समझ गए। तो ये मेरा खत्म हो गया एड्रेस मैपिंग। अब बात आती है नोट्स से, आप इसी चीज को फिर से लिखिएगा, नोट्स के में जो है डायग्राम सही से नहीं बना हुआ है, तो डायग्राम आप इससे देख करके बनाइएगा, और नोट्स बनाने के बाद आप मेरे को क्या कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको एक बार कंप्लीटली पढ़ के आपको खत्म कर देता हूँ जल्दी जल्दी। वर्चुअल मेमोरी हम तुमको बता ही चुके हैं, नोट्स बना लेना वर्चुअल मेमोरी का, ठीक है। एड्रेस स्पेस, तो अभी मैंने क्या बताया, वो जो तो ब्लॉक था वर्चुअल मेमोरी का, दैट इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। कहता है एन एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस, एंड सेट ऑफ सच एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। द एड्रेस स्पेस इज सेट ऑफ एड्रेस जनरेटेड बाय द प्रोग्रामर एज द रेफरेंस of instruction and data, it is larger than the memory space. Generally, virtual memory address space is denoted by capital N. Okay? अगला है तुम्हारा memory space. मैंने बताया ही था, physical memory में जो वही चीज होता है उसको memory space कहते हैं। तो कहता है an address in main memory is called
physical address and set of such address is called memory space. The memory space consists of actual main memory address location that is directly addressed by processor for processing task. It is generally denoted by capital M. Okay. अगला है आपका page table. Page table क्या है? It is a logical table that has three column and number of row is same as number of page available in the virtual memory. मैंने अभी आपको बता ही दिया था. A page table may store in main memory or in separate memory. Page table कभी या तो main memory में होगा store या तो separate memory इसके लिए कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है? If page table is stored in separate memory, then additional memory is required as well extra memory access time. If page table available in main memory, then two access is required. So program running speed reduce. मतलब क्या होता है कि अगर हम page table को कहीं और रखते तो page table से भी तो data fetch करना पड़ता processor को. ये काम भी तो processor ही कर रहा है. तो जो data processing का काम होता है कुछ भी तो अलग अलग जगह पे जाकर लाएगा तो टाइम लगता है. तो इसीलिए कहता है कि ज्यादा बेहतर है कि आप जो है अपना पेज टेबल भी जो है मेन मेमोरी में रखें. ओके, तो पेज टेबल भी अक्सर जो है मेन मेमोरी में ही होता है. पेज टेबल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेस मैपिंग. इट इज ए पार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी. ये वर्चुअल मेमोरी का ही एक पार्ट होता है. इन पेज टेबल फर्स्ट कॉलम स्टोर पेज नंबर, ये हटा देना. फर्स्ट कॉलम स्टोर पेज नंबर दैट इज सेम एज वर्चुअल एड्रेस स्पेस. एंड मिडिल कॉलम इज यूज्ड टू स्टोर ब्लॉक नंबर. एंड लास्ट कॉलम इज यूज्ड टू स्टोर प्रोसेसर बिट. इफ इट स्टोर जीरो मींस नो ब्लॉक अवेलेबल इन पेज टेबल. एंड इफ इट इज वन इट मींस ब्लॉक अवेलेबल इन द पेज टेबल. इसको कहते हैं प्रिसीजन बिट पैरिटी बिट में. प्रेजेंट है या नहीं है ये इस चीज को इंडिकेट करता है प्रेसिशन बिट. ठीक है, उसका बाद कहता है एंट्री इन पेज टेबल. आपको मैंने बता ही दिया एंट्री इन पेज टेबल. पेज टेबल में एंट्री कब होता है? जब पेज फॉल्ट अकर होता है और जब वर्चुअल मेमोरी से डाटा स्टोर होता है किसमें? फिजिकल मेमोरी में. तब पेज टेबल में भी एंट्री होता है. व्हेन डाटा इज एंटर इन मेन मेमोरी firstly it is mentioned is the page table. When page p0 is enter in main memory block number 0, then it page table at the position of page 0 is set 01 in block number field of page table and corresponding precision bit set 21. isko 21 kar dena, set to 1. maine dikhaya tumhe ये इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा है. देखना, ये कोई डायग्राम यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पेज टेबल है. तो उसको आप समझ जाना, बात पीछे मैंने आपको बता ही दिया है. अब आपको दिखाता हूं मैं क्या होता है लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस. वो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज मैंने आपको पीछे बेहतर तरीके से बता दिया, तो मैं दोबारा इस चीज को देखने के मूड में हूँ नहीं. एड्रेस मैपिंग. अब ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरी एड्रेस मैपिंग का. जो मैंने तुम्हें बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है. समझ गए? मैं फोटो से देख लेता हूँ कि ये कितने कितने बिट का है. देखो कोई दिक्कत नहीं होगा. एबीसीडी ऑलमोस्ट वही है, बस मेरा वाला डायग्राम बनाना. ये वाला डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे है. एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जो मैं बोला हूँ वही इसमें लिखा हुआ है. अगर किसी के पास ये नोट्स नहीं है तो मेरे को बता देना. अगर है तो आज आपका कितना सेक्शन खत्म हो गया? आपका खत्म हो गया वर्चुअल मेमोरी, आपका खत्म हो गया एड्रेस मैपिंग, आपका खत्म हो गया पेज टेबल, आपका खत्म हो गया एड्रेस स्पेस, आपका खत्म हो गया मेमोरी स्पेस. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इस दोनों को कंप्लीट कर लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है.